हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी बहुत ही प्यारा डिजाइन। देखिए, इस टाइप से मैंने फ्यूजिंग चिपका लिया फैब्रिक के नीचे। इस टाइप से पहले हमें फ्यूजिंग चिपका लेनी है, ये देखिए। और फिर यहाँ पर एक एक इंच पर गैप पर निशान लगाना है। चार निशान मैंने लगा लिए हैं। इस साइड भी इसी टाइप से एक इंच के गैप में हमें चार निशान लगा लेने हैं। इस टाइप से स्केल से हमें इनको मैच कर लेना है। लाइन बना लेनी है अपनी सीधी, ये देखिए गाइस, इस टाइप से सीधी लाइन बना लेनी है। और इस टाइप से पकड़ लेना है, और पकड़ के हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है। हाफ इंच से कम हमें स्टिच लगानी है, ये वाली पूरी हाफ इंच की स्टिच नहीं लगानी है हमें। थ्री पॉइंट के हिसाब से हमें स्टिच लगा लेनी है अपनी। ये देखिए गाइस, इस टाइप से पूरे पर स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए गाइस, हमारी जो स्टिच लग गई है नीचे का फैब्रिक है। इस टाइप से पहले हम ऊपर की साइड इसको देख लेंगे। अब दूसरे वाला पकड़ लेना है, दूसरे वाले को पकड़ करके यहाँ पर भी स्टिच लगा लेनी है। नीचे वाला फैब्रिक है जो, वो मुड़ के स्टिच में नहीं आना चाहिए, आराम से ऊपर पे स्टिच लगा लेनी है यही। अब दूसरी साइड से पकड़ के ये देखिए, चारों पे हमें इसी टाइप से स्टिच लगा लेनी है अपनी। हमें पिनटक बना लेनी है। ये देखिए गाइस, जिस टाइप से हमने चारों लाइंस पे ये अपनी पिनटक बना ली है। ये देखिए गाइस, उल्टी साइड मैंने अभी ये आयरन कर लिया है, क्योंकि मुझे नीचे की साइड और डिजाइन निकालना है। तो इस टाइप से मैंने एक पट्टी और डोरी ले ली है। डोरी मैंने पहले बना ली है, और एक इस टाइप से पट्टी बना ले ली है आप लोगों को। ये बनाने के बाद ये देखिए गाइस, 3.5-3 इंच पर हमें पीस कट कर लेने हैं अपने। डोरी के भी 3.5 इंच पर हमें पीस कट कर लेने हैं इस टाइप से। ये देखिए 3.5 इंच के पीस डोरी और पट्टी के, दोनों के 3.5 इंच के पीस मैंने कट कर लिए हैं। इस टाइप से पट्टी को फोल्ड करना है हमें, और यहाँ पर रख लेना है। ये देखिए गाइस, इस टाइप से फोल्ड करके पट्टी को स्टिच कर लेना है। डोरी भी इसी टाइप से ले लेनी है, और इस टाइप से फोल्ड कर लेनी है, और यहाँ पर रख के इस पर भी स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए गाइस, इस टाइप से स्टिच दोनों इक्वल होनी चाहिए हमारी जो है लाइन में। ये देखिए, ये भी हमारे इक्वल होने चाहिए। सबको हम इक्वल लेते हुए अपना जो है स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए गाइस, इस टाइप से सारे पीसेज को रख के हमें स्टिच लगा लेनी है। एक साइड डोरी, एक साइड हमें पट्टी रख लेनी है। इसी टाइप से हमें पूरी स्टिच लगा देनी है। ऊपर की साइड से इक्वल होना चाहिए लेंथ में जो है, दोनों की मेजर करके इक्वल लेते हुए चलना है, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो गाइस, इस टाइप से हमने अपनी जो सारी पट्टियाँ और डोरियाँ फोल्ड करके इस टाइप से स्टिच कर लेनी है। ये देखिएगा, इस टाइप से सारी स्टिच कर लेनी है। ये देखिए गाइस, हमने अपनी जो है पट्टियाँ और डोरियाँ सारी स्टिच कर ली हैं इस टाइप से। ये देखिएगा, कितने अच्छे से स्टिच हो गई है। अब हमें ले लेनी है 1-2 इंच की पट्टी, इस टाइप से रख लेनी है, और यहाँ पर 1/2 इंच पर फिनिश करने के लिए ये स्टिच लगा लेनी है हमने। ये देखिए, इस पट्टी पर हमने अच्छे से स्टिच लगा लेनी है। दूसरी साइड फोल्ड करके इस पर हमें डाल देनी है हमें, और ऊपर की स्टिच इस टाइप से लगा लेनी है। ये देखिए, इस टाइप से अच्छे से फोल्ड करके ऊपर की जो बैठने वाली स्टिच होती है हमारी, वो लगा देनी है। ये देखिए गाइस, अच्छे से पकड़ करके देखिए, हमने अपनी जो स्टिच लगा दी है। अंदर वाले ऊपर हमने हेमिंग डाल देनी है, और ऊपर वाली जो हमारी ये पिनटक है, ये ऊपर की साइड हमने आयरन से की थी, इस साइड से इस टाइप से नीचे से कर देनी है हमें। ये देखिए, नीचे साइड से पिनकी दे देनी है बाद में। तो देखिए गाइस, डिज़ाइन हमारा कितना प्यारा निकल कर आया है। इस डिज़ाइन को आप अपनी स्लीव्स पर, अपने प्लाजो पर, या अपने बॉटम पर भी निकाल सकते हैं, सूट के या कुर्ती के। बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन आपका निकल कर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।